जिले की प्रसिद्ध देवी तीर्थ महालक्ष्मी मंदिर ऊन में आयोजित 13वें अन्नकूट महोत्सव का शुभारंभ कन्या और गौ पूजन के साथ हुआ। इस दौरान ग्राम के गायत्री मंदिर में देवी श्री धाम तक कलश यात्रा भी निकाली गई। कलश यात्रा में देवी स्वरूपा बालिकाओं ने अपने सिर पर कलश धारण कर हिस्सा लिया। कलश यात्रा नगर भ्रमण करते हुए देवी श्री धाम पहुंची, जहां माता को 56 भोग अर्पित कर भंडारे का शुभारंभ किया गया। सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुए भंडारे में सर्वप्रथम कन्या भोज करवाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने माता की प्रसादी प्राप्त की। इस बीच देवी श्री महालक्ष्मी धाम पर दिन भर माता के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा एवं हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर प्रसादी ग्रहण की। बता दें कि ऊन स्थित देवी श्री धाम प्रदेश के प्रसिद्ध देवी तीर्थों में शामिल है। इस स्थान को लेकर प्राचीन काल से ही कई तरह की मान्यताएं चली आ रही है। माना जाता है कि इस स्थान पर माता महालक्ष्मी ने क्रोध में आकर शिशुपाल का वध किया था एवं इसी स्थान को देवी श्री महालक्ष्मी जी की विवाह स्थली भी माना जाता रहा है। बताया जाता है कि यही के नारायण कुंड पर माता का विवाह भगवान विष्णु के साथ संपन्न हुआ था। यहाँ स्थित द्वापर कालीन गुफा मंदिर में विराजित पूर्व मुखी देवी महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को अति चमत्कारी माना जाता है। इन्हीं मान्यताओं के चलते यहाँ वर्ष भर माता भक्तों का तांता लगा रहता है। खासतौर पर यहाँ प्रतिवर्ष आयोजन होने वाले अन्नकूट में देश भर से आए श्रद्धालु शामिल होते हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।